हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, वन 10 वोल्ट 60 वॉट बल्ब इज टू बी कनेक्टेड टू 100 वोल्ट लाइन। द रिक्वायर्ड इंडक्शन कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वैल्यू ब्रैकेट एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। नाउ द की कंसेप्ट इज, जब भी हमारे पास कोई एल आर सर्किट होता है, तो जब हमें उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है वी, विच इज द इक्विवेलेंट वोल्टेज, इज इक्वल्स टू रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। सो यहाँ पे वी एल है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वी आर है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस या रेजिस्टर। नाउ अगर हम देखें तो पहले हमें एक मेन लाइन दे रखी है ऑफ 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, एंड उस मेन लाइन से कनेक्टेड है एक बल्ब जिसके अंदर पावर है 60 वॉट का एंड 10 वोल्ट है। देन उसके आगे एक लगा रखा है इंडक्टेंस जो कनेक्टेड है फिर मेन लाइन से। तो अगर देखें तो यहाँ पे ये एल आर सर्किट है, बिकॉज इस बल्ब में रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो ये आर है और ये एल है, मतलब इसके पास वोल्टेज वी एल होगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, एंड इसके पास जो वोल्टेज है वो तो गिवन है बल्ब के 10 वोल्ट। सो नाउ अगर हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। हमारे पास मेन लाइन का वोल्टेज यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, सो इट विल बी 100 इक्वल्स टू रूट, बल्ब का हमारे पास वोल्टेज दे रखा है 10, तो वी आर आ गया। हमारे पास इंडक्टेंस का वोल्टेज नहीं दे रखा वी एल, तो हमने इसको वी एल स्क्वायर बोल दिया, हेंस इट विल बी 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस वी एल का स्क्वायर। सो कैलकुलेट करने पे वी एल आ जाएगा 99.5 वोल्ट। नाउ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज वी होता है आई आर, सो अगर हमें इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वी एल विल बी करंट ऑफ इट एंड द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस विच इज एक्स एल। सो वोल्टेज है 99.5, करंट करंट को हम आई बोलते हैं लेट्स से यहाँ पे, एंड एक्स एल, एक्स एल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड जिसको हम लोग 2 पाए μ L करके भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे म्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दैट मीन्स 99.5 वोल्टेज इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाई बाय 2 पाए, फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड इंडक्टेंस L हमें नहीं पता। अब हम करंट निकाल सकते हैं इस पूरे मेन सर्किट में, क्योंकि हमारे पास देखें तो जो बल्ब है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है एंड जो इंडक्टेंस है एल, वो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जब कनेक्शन होता है देन करंट सेम होता है, यानी कि जितना करंट बल्ब से पास करेगा उतना ही उस इंडक्टेंस से पास करेगा। नाउ अगर हम निकाले करंट थ्रू दी बल्ब, तो फॉर्मूला है पावर पी इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय आई, सो पावर है 60 वॉट, वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो करंट आई आ जाएगा 6 एम्पीयर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 99.5 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय एल इंडक्टेंस, तो यहाँ से एल इंडक्टेंस आ जाए इक्वल्स टू 0.052 हेनरी। हिंस द फाइनल आंसर इज, द रिक्वायर्ड इंडक्शन कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.0
5 to 2 हेनरी, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।